वो आप लोग करते रहा करें मेरे पे ओवरलैप बैटिंग कर रहे हैं जी. वेरी गुड. श्रीलंका बैटिंग कर रहा है. विकेट बैटिंग है. और सर कुशाल मेंडिस कैप्टन बने हुए हैं. हाँ जी बिल्कुल. परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं और आज कप्तान बनेंगे तो इनके ऊपर थोड़ा बर्डन आएगा तो ये उससे भी जाएंगे. एग्जैक्टली. ये बात तो आपने क्या कमाल की कही है. उन्होंने कहा कप्तान के ऊपर बर्डन आएगा, थोड़ा प्रेशर आएगा, अपनी बैटिंग से भी जाएंगे जो वो कर रहे हैं. चले जी. लेकिन आपको ताज़ा तरीन खबर देनी चाहिए कि दसून शनाका इंजर्ड होके अब वर्ल्ड कप की रेस से वो बाहर हो चुके हैं, इसलिए दसून अब कुशाल मेंडिस को जो है कैप्टन बनाया गया है. सुनने में आ रहा था कि करुण रत्ना भी टीम में वापस आ रहे हैं, उनका नाम जो है वो उनकी जगह कहा गया है कि उनको लेके आए, क्योंकि अब एक बंदा तो वो लाएंगे अपनी टीम के लिए. बिल्कुल. अगर वर्ल्ड कप से आउट हो जाता है तो जो बेंच पे तीन बैठे हैं उसमें से एक आएगा. अब उसमें कौन सा लेंगे ये तो अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में. तो उनकी जो इंजरी है वर्ल्ड कप में, ये जो हमने तो न्यूज़ जो सुनी है अभी जो क्रिक इन्फो में मैंने देखा है वहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ल्ड कप से आउट आउट हो गया. अच्छा, कितना एज है आज श्रीलंका को? बैटिंग की है उन्होंने टॉस जीत कर, और बहुत कम टीमें ऐसे करें. जैसे मैंने यस्टरडे में कहा था कि इंग्लैंड बैटिंग करेगा, इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग कर ली और बड़ा अच्छा बॉल आ रहा था बैट के ऊपर. जो पिच अभी मैंने रिपोर्ट देखी है, जो पिच जो वो दिखा रहे थे कैमरे के ऊपर थोड़े से क्रैक्स नज़र आ रहे थे उनको, बट ये है कि इन द एंड ऐसे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा फ्लैट है, तो मेरे ख्याल में सही डिसीजन किया उन्होंने. अच्छा, अगर बात की जाए टीम के हवाले से प्लेइंग 11 की, सेन एबट नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, एलेक्स कैरे नहीं है, कैमरॉन ग्रीन नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है, बाकी सब टीम में शामिल हैं. श्रीलंका की बात की जाए तो कैप्टन दासून शनाका वो मौजूद नहीं है, वो उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है. दूसरा करुणा रत्ने नहीं है और पथिराना नहीं है और कसुन रजीथा नहीं है, ये चार प्लेयर्स उनमें नहीं है. तो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका की टीम जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने गुज़श्ता मैच खेला था 344 रन बनाए थे, तो आज कैप्टन की गैर मौजूदगी में उन पर कितना प्रेशर होगा? और आज जो कैप्टन बने हैं वो पिछले मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते नज़र आए हैं, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा? कुशाल मेंडिस कप्तान बने हैं, बिल्कुल प्रेशर तो आएगा. अब क्योंकि इनकी बैटिंग पहले है तो वो पहले ही बैटिंग करने के लिए चला जाएगा, प्रेशर तो क्योंकि ओपनर है तो वो जितना भी कर सका तो वही करेगा. बट ये है कि प्रेशर तो आता है, कप्तान बनने में थोड़ा दिमाग डिवाइड होता है, पहले अपनी बैटिंग पे गौर करते हैं फिर दूसरे जब प्लेयर आ जाते हैं. तो कप्तान बनना बड़ा मुश्किल काम है. मैं इसलिए कभी कप्तान नहीं बना क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं टेंशन लूँ, तो टीम के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करूँ. आज़ाद प्लेयर होता है, जब कैप्टन नहीं होता ना तो प्लेयर आज़ाद होता है. जब कैप्टन होता है तो वो 11, 15, 16 सबके लिए सोच रहा होता है, मुल्क के लिए भी सोच रहा होता है. ये सारी चीज़ें हैं, डिवाइड तो हो जाता है थोड़ा बहुत. बट ये है कि जो इनको नुकसान हुआ है, इनका जो कप्तान आउट हो गया, वो ऑलराउंडर स्कोर ने लास्ट पाकिस्तान के खिलाफ 50 भी बनाए थे, प्लस बॉलिंग भी 7 से 8 ओवर वो अच्छे कर देते हैं. तो ये सूरत हाल है. और बाकी रही क्रिकेट की बात तो फेवर तो मैं कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ये भूखे शेर हैं और इन शेरों को गोश्त खाना है. और ऑफकोर्स वहाँ पे बकरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो खाएंगे कच्चे बकरे. तो ये है कि वर्ल्ड कप में कमबैक करने के लिए दोनों के लिए चांस है. दोनों दो दो मैच आ रहे हुए हैं, किसी ने अभी खाता नहीं खोला. आज दोनों में से किसी एक का तो खुल जाएगा, बट आई थिंक क्रिकेट फेवर कर रही है मेरे ख्याल में. ऑस्ट्रेलिया 70% है और 30% श्रीलंका है. बट टू बी ऑनेस्ट, जब ऑस्ट्रेलिया कमबैक करता है तो सब देखते हैं कि उसने कैसे कमबैक किया. लेट्स सी, अगर आज वो हार जाता है तो अगला मैच पाकिस्तान के साथ है, ये भी है. और आज उनको मेरे हिसाब से हारना चाहिए ताकि वो तो फिर ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है ना कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे. सीधे गए ही हैं, अगर आज का मैच भी हार गए तो हो सकता वो तो है हम हार मैच में कहते हैं. ऐसा ही है. लेकिन अब अगर हम बात करें आज इन कम्बिनेशन की, ऑस्ट्रेलिया की टीम की और श्रीलंका की टीम की, तो हमें नजर आता है कि पुतुम निसांगा उनके पास है, डेफिनेटली अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा खेल भी पेश करते हुए आ रहे हैं. कुशाल मेंडिस है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो असलंका भी, माशाल्लाह से असलंका तो मेरे फेवरेट है. तो असलंका की भी बात की जाए, ये बताइए अगर हम देखते हैं डेविड वार्नर है उनके पास, स्टीव स्मिथ हैं, तो आज क्योंकि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के आखिरी ये वर्ल्ड कप हैं और आखिरी मैचेस हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आज बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. मैचेस तो नहीं है, आखिरी वर्ल्ड कप के मैचेस, आखिरी वर्ल्ड कप के मैचेस, अभी भी उनके अभी 6 पड़े हैं इसके बाद. लेकिन वो बट ये है कि दोनों बड़े प्लेयर हैं और परफॉर्म ऑफ कोर्स करना पड़ेगा. और ऑस्ट्रेलिया को
ऊपर से कुछ ना कुछ स्कोर बनाना पड़ेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है और बॉलिंग आपने आपके सामने है, फास्ट बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी है, स्पिन के ऊपर थोड़ा मार खा रहे हैं। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अच्छी है, स्पिन के ऊपर मार खा रहे हैं। दोनों टीमों के पास मसले मसाइल काफ़ी हैं और दोनों टीमों के लिए जीतना भी बहुत ज़रूरी है। पर ऑस्ट्रेलिया को कम बैक करेंगे, मैंने वही कहा शेरों की तरह वो लड़ते हैं, अगर उनको कम बैक करना हो तो वो तो पूरा जोर लगाएंगे आज आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया। और कोई भी इन्होंने चेंजिंग नहीं की, सेम टीम खिला रहे हैं और मेरे ख्याल में वो इसलिए खिला रहे हैं कि भाई अब आप ही हो, आप लोगों ने करना सारा।